Good morning, everyone. Today, I am discussing an important point. The first point is that what makes India a federal country? This is the first point in our mind. What makes India a federal country? यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बताया है, कुछ पॉइंट से पता चलेगा कि इंडिया हमारा एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। लेकिन इसमें डिक्लेयर इंडिया है द यूनियन ऑफ स्टेट, हमारे प्रधानमंत्री जो है ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। मतलब इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं जो फेडरल कंट्री होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वर्किंग प्रोवाइडर फॉर इंस्टीट्यूट आयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द यूनियन गवर्नमेंट और वाट इज कॉल्ड अ सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और वाटिक में विधान ने जो है वो प्रोवाइड किया है टू टाइप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है वो मतलब सेंट्रल बनाता है और वो रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को। उसमें आपको आया था पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम और पंचायत, ये सारे आया था तीसरे श्रेणी में। तो पहले श्रेणी में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे श्रेणी में आते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे श्रेणी में आते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। और इसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा यूनियन के बारे में। यूनियन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री फॉरन अफेयर्स बैंकिंग कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी, क्योंकि यूनियन जो है वो जारी किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो है खास खास चीज़ों पर ध्यान देता है जो राष्ट्र के बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री मतलब डिफेंस लाइन जो भी है वो डिफेंस के लिए जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं और यूनियन रिस्पोर्ट से लिया जाता है। फिर फॉरन अफेयर्स, उसके बाद बैंकिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके यूनियन रिस्पोर्ट से लिया जाते हैं। और इसका बात हो जाए यूनियन गवर्नमेंट का असर होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। और दूसरा होता है स्टेट जो इसका बात हो गया है स्टेट गवर्नमेंट का आदम हो गया है स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट रिलेटेड कुछ लॉज वगैरह बनाते हैं। और इसमें क्या है स्टेट या फिर लोकल बॉडीज वगैरह आते हैं वो जब स्टैंडर्ड आपका स्टेट स्टैंडर्ड, जैसे पुलिस हर स्टेट में पुलिस लोकल एरिया में पुलिस है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मतलब किसी स्टेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है ड्यूटी उसको देखे जाता है और सारे कुछ स्टेट लिस्ट में जारी किया जाता है। स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ये सारे चीज स्टेट के अंदर आते हैं जो स्टेट लिस्ट में उसको शामिल किया गया है। थर्ड कंसेंट लिस्ट, कंसेंट लिस्ट को हिंदी में कहते हैं संबंधित सूची। और इसमें जो है दोनों का स्टेट होता है यूनियन गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का, और ये दोनों सरकार जो है मिलकर स्थिति को तैयार करती है। और इसके अंतर्गत आपको एजुकेशन, पुलिस, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीज जो है आपको कंसेंट लिस्ट में आते हैं। एजुकेशन में बात करूँगा एजुकेशन जो एस एस सी एस सी बोर्ड, तो एस सी बोर्ड जो है वो हर मतलब हर स्टेट बोर्ड लोग भी कर सकते हैं, जैसे झारखंड बोर्ड, झारखंड के लोग, झारखंड के लोग भी स्टेट बोर्ड में हैं, फिर बिहार के स्टेट बोर्ड में है। तो ये एजुकेशन हमारे क्या हो गया, हमारा हो गया कंसेंट लिस्ट अंडर सीबीएसई बोर्ड। फिर फॉरेस्ट में भी बहुत अलग अलग लोग होते हैं, बहुत अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैरिज मैरिज में भी क्या होता है जैसे अलग अलग स्टेट में आकर मैरिज होता है, तो ये सारी चीज़ जो है कंसेंट लिस्ट अंडर आ जाते हैं। एडॉप्शन मतलब कि कंसेंट लिस्ट में जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मेल से बनता है
और ये सारे रूल रेगुलेशन जो है दोनों के पढ़ने के अंदर है, फर्स्ट एंड सेकेंड एजुकेशन, फर्स्ट एलिमेंट, ये सारे चले जाते हैं। तो ये था हमारा जीएनडी स्टेटिस और चैप्टर एंड्रेस। नेक्स्ट हमारा हॉल सर्विस प्रैक्टिस, नीचे सर्विस का प्रैक्टिस कैसे हो जाए। Transition, transition, present, or necessary for the success of a deal, but these are not sufficient. This is a topic that I have done in the program, who is very necessary for the success of a deal. This is sufficient for the success of a deal. The success of a deal in India can be attributed to the nature of democracy politics in our country. This is a deal that the real success of a deal in India, who are democratic, जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है हमारे देश में उसके एट्रीब्यूट को लेकर, मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो भी गुण होता है, जो भी क्वालिटी होता है, उसके नेचर के थ्रू जो है पॉलिटिक्स को सक्सेस किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इंडिया में जो करियर सक्सेस होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उसका नेचर। लीडरशिप स्टेट, लीडरशिप स्टेट मतलब होता है जैसे प्रादेशिक भाषित जो प्रदेश होते हैं, राज्य होते हैं, जैसे ये मान लीजिए आप पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में प्रॉपर है और बांग्लादेश होता है, तो पश्चिम बंगाल जो है लीडरशिप स्टेट के तौर पर जाना जाता है। कंस्टिट्यूशन ऑफ द लीडरशिप स्टेट वाज़ द फर्स्ट एंड लेजेंडरी बेस फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो ये लीडरशिप स्टेट का निर्माण जो है वो तो पहला था, और दूसरा बड़ा देश ये है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हमारे देश में जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होते हैं उसकी जड़। सेकेंड, Many all states have vanished and many new states being created. क्योंकि बहुत सारे पुराने स्टेट जो है वो वैलिड हो गए, मतलब भ्रष्ट हुए हैं, और नए नए स्टेट्स का निर्माण हुआ, जैसे तेलंगाना, झारखंड और भी बहुत सारे स्टेट, नए नए स्टेट्स का निर्माण हुआ। और पुराने स्टेट में जैसे मैं बात करूँगा हस्तिनापुर, फिर और भी बहुत सारे मगर ये सारे जितने पुराने स्टेट थे वो सब डैमेज हो गया और फिर नए नए स्टेट का क्रिएशन हुआ। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया वे चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। और 1947 में भारत के जो पुराने राज्य के जो बाउंड्रीज थे उसको चेंज करके नए स्टेट का क्रिएशन वाले स्टेट का निर्माण किया गया। This was done to ensure that people who is born, maintain and live in the same state. और ये ऐसा किया गया तो इससे सुनिश्चित होता है कि समान लीजिए कि किसी राज्य में सेम लैंग्वेज राज्य के लोग सेम लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं तो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए सेम स्टेट होता है। जैसे बंगाल है, अगर पश्चिम बंगाल से गाँव है तो आप बंगला का यूज होता है, तो पश्चिम बंगाल जो है पूरी तरह से आपको लैंग्वेज के लिए है, तो वहाँ पर बंगला भाषा के लोग होते हैं, वहाँ पर आए लोगों के लिए सेम स्टेट प्रोवाइड कर दिया गया है। तमिलनाडु का यहाँ वहाँ तमिल भाषा प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको लिंग्विस्टिक स्टेट के तौर पर जाने जाते हैं, जहाँ पे लोगों का जो बोली होता है लैंग्वेज वो सेम होता है और जैसा लैंग्वेज है उसमें तो स्टेट में चलते हैं। वेन डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज देयर, सम नेशनल लीडर्स feared that it would lead to the disintegration of the country. क्योंकि जब हम लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य निर्माण का डिमांड किया तब बहुत सारे राष्ट्रीय नेता जो है वे भयभीत हो गए कि अगर भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो तो हमारा देश जो है वो क्या करेगा, विखंडित हो जाएगा, मतलब बहुत सारे लोग मर जाएगा। ये चीज जो है बहुत सारे मिशन ड्रग्स को अपने आप में काफी फेयर फील हो जाएगा कि अगर ऐसा होगा भाषा के बेस पर अगर स्टेट का निर्माण होगा तो धीरे धीरे क्या जाएगी विखंडन हो जाएगी, बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का कुछ पॉइंट, बाकी मैं कल भी जाऊँगा। ओके, थैंक यू।